तो आज हम बात करेंगे कि अनियन जूस आपके बालों के लिए अच्छा है या बुरा। आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें आपको बताया होगा कि घरेलू नुस्खे में आप अनियन जूस लगा सकते हैं अपने बालों के लिए और बाल काफ़ी मजबूत हो जाएंगे। तो आइए जानें इस वीडियो में कि इसके पीछे क्या सच्चाई है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अनियन जूस बालों के लिए सही है या नहीं। तो साइंटिफिकली स्पीकिंग ये अनियन जूस रिसर्च किया गया है कि आपके बालों की मजबूती के लिए कामयाब है। अब क्यों ऐसा है? अनियन जूस, जिसका साइंटिफिक नाम एलियम सीपा है, इसके अंदर सल्फर पाया जाता है। और ये जो आपके बाल है ना, इन बालों में दो चीज़ें सबसे ज़्यादा मात्रा में हैं, एक तो प्रोटीन और दूसरा सल्फर। और तभी आपको बोला जाता है कि अगर आपको अपने बाल मजबूत करने हैं तो आप अपने खाने पीने में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाइए, चाहे आप दाल लीजिए या चिकन लीजिए या एग्स लीजिए, बट जिस तरह जितना प्रोटीन आप अपने डाइट में लेंगे उतना ही आपका बाल मजबूत होंगे। बट उस प्रोटीन को आपस में बांधने के लिए सल्फर की रिक्वायरमेंट होती है और ये सल्फर आपको मिलता है अनियन जूस से, और इस तरह अनियन जूस बालों को मजबूत बनाने में काम करता है। साथ ही साथ अनियन जूस एंटीऑक्सीडेंट भी है, और अगर आप इस तरह के और YouTube वीडियोस देखते होंगे तो आपको ज़रूर पता होगा कि एंटीऑक्सीडेंट आज की तारीख में रामबाण है। देखिए, डे टू डे लाइफ में ना हमें बहुत सारे टॉक्सिन्स का सामना करना पड़ता है। वो टॉक्सिक रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही, टॉक्सिन्स की बात कर रही हूँ। चाहे वो अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो बिकॉज ऑफ एल्कोहल, स्मोकिंग, लेट पार्टीइंग, और इट कुड बी बिकॉज ऑफ सन एक्सपोजर, स्ट्रेस। आपके बॉडी में ना धीरे धीरे टॉक्सिन्स जमा होते जाते हैं एंड इन टॉक्सिन्स को कॉम्बैट करने के लिए होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। तो किसी भी तरीके का अगर एंटीऑक्सीडेंट्स होगा वो आपके बालों के लिए नहीं पूरी बॉडी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, और अनियन जूस भी एक एंटीऑक्सीडेंट होता है और प्री मैच्योर ग्रेइंग में हेल्प करता है। बट द कीवर्ड हेयर इज प्री मैच्योर ग्रेइंग। अब 40 साल के हो और उसमें बाल सफ़ेद हो रहे हैं, उसमें चाह रहे हो कि अनियन जूस कमाल कर दे, तो वो नहीं होगा। प्री मैच्योर ग्रेइंग का मतलब है कि आप अगर 25 साल से नीचे हैं और आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं तब अनियन जूस इसमें काम करता है। अब तो ये हो गया कि अनियन जूस काम कैसे करता है, अब बात आते हैं कि अनियन जूस की रेसिपी क्या है। तो भाई, खतरों के खिलाड़ी का नेक्स्ट टास्क होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहला स्टेप अनियन जूस बनाने का है प्याज को काटना। हाँ, पता है मुझे बहुत गालियाँ सुनने को मिलेंगी कि जब आपके आंसू आएंगे प्याज काटते वक्त, बट पहला स्टेप तो वो करना पड़ेगा, चाहे आप ये खुद करें या अपने कुक से करवाएं। प्याज को अच्छे अमाउंट में काट के उसको मिक्सी में पीसना है, और जो पेस्ट आए उसको एक कपड़े में बांध के निचोड़ देना है, और उसके नीचे जो पानी निकले ना वही अनियन जूस है। तो आपका जो ऊपर वाला मिश्रण है वो आपको फेंक देना है और नीचे जो पानी निकले उसको आपको इस्तेमाल करना है। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, तीन तरीके हैं। एक तो आप प्लेन अनियन जूस लगा सकते हैं, उसी अनियन जूस को जो आपने कटोरी में रखा है उसको आपको एक रुई में डुबो के अपने स्कैल्प पे लगाना है, और इस तरह से लगाना है कि पूरा स्कैल्प कवर हो जाए। एक घंटे वेट करना है, उसके बाद नॉर्मल शैम्पू कर देना है, और हफ्ते में इसको 3 बार करना है, और धीरे धीरे आप देखेंगे 1 से 1.5 महीने में कि इसका रिजल्ट आने लगेगा। दूसरा तरीका है, आप सेम अनियन जूस को आप किसी भी हेयर ऑयल में मिला सकते हैं, चाहे वो नारियल तेल हो, ऑलिव ऑयल हो, मस्टर्ड ऑयल हो, जो भी आप बालों में तेल लगाते हैं उस तेल में इस अनियन जूस को मिला लीजिए, और फिर जैसे आप नॉर्मल हेयर ऑयल करते हैं बिफोर शैम्पूइंग वैसे करिए, और उससे क्या होगा, आपके बाल कंडीशन भी हो जाएंगे बिकॉज ऑफ हेयर ऑयलिंग, और अनियन जूस भी अपना फ़ायदा कर देगा। इसके अलावा मार्केट में रेडीमेड अनियन ऑयल भी अवेलेबल है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस बॉटल में ये ज़रूर देखिएगा कि एलियम सीपा या ब्रैकेट में अनियन ज़रूर लिखा हुआ है लेबल में, और टॉप 5 इंग्रेडिएंट्स में होना चाहिए, क्योंकि इतने सारे लेबल में जो टॉप 5 इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना वही 80% ऑफ द प्रोडक्ट बनाते हैं। उसके अलावा काफ़ी हेयर लोशंस भी होते हैं जिसमें एलियम सीपा अवेलेबल होते हैं, जैसे एक इस तरह का लोशन है किलिप, वो भी आप लगा सकते हैं अपने डॉक्टर से मिलके, और फिर आप अपने बालों में इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। इसका यूज़ आप तब तब कर सकते हैं जब आपको बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं या आपको
बॉल्डनेस आ रही है, बालों में थिनिंग आ रही है, या इवन एलोपीशिया एरियाटा के केसेस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यूजली अनियन जूस का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, बट अगर आप इसको ज़्यादा लगाएंगे या ज़्यादा मात्रा में लगाएंगे या ज़्यादा देर तक छोड़ देंगे तो कई बार बालों में एलर्जी हो जाती है जो कि खुजली, रेडनेस, इरिटेशन के फॉर्म में आती है। तो आपको बहुत ज़्यादा देर के नहीं लगाना है ताकि आपको एलर्जी ना हो, और अगर एलर्जी हो जाती है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, उसका ट्रीटमेंट लीजिए और फिर अनियन जूस नहीं लगाइए। उसके अलावा ये एक सोशल प्रॉब्लम है कि अगर अनियन जूस या अनियन ऑयल आप रेगुलरली लगाते रहते हैं तो भैया आपके आसपास कोई नहीं आएगा क्योंकि बहुत बदबू आती है। अब इसका तो आपको रिस्क बेनिफिट देखना पड़ेगा कि बदबू वाला रिस्क चाहिए कि हेयर गेन वाला बेनिफिट, और इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम नहीं होती है अनियन जूस से। अगर अनियन जूस को लगाने के बावजूद आपके हेयर फॉल नहीं रुक रहा है, फिर भी बॉल्डनेस आ रही है, तब मामला सीरियस है, और इस केस में आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, उनसे प्रिस्क्रिप्शन लीजिए और अपने हेयर फॉल का सही इलाज करिए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बी ब्यूटीफुल, बी इन्फ्लुएंशियल।